हेलो फ्रेंड, चावला पेन स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करें ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, दोस्तों शेयर की थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं क्वार्टर रिजल्ट की ऊपर भी। और देख लो यहाँ पर 37 रुपये 35 पैसे का आज हाई बनाया और 36 रुपये 45 पैसे का इसने लो बना दिया है। 122 रुपये तक लगातार ये क्रेज हो रहा। आज देखो 37 रुपये गया था, फिर भी देखो 36 रुपये पर वापिस आ गया। एडवांस चार्ट की बात करें ना दोस्तों, तो देखो कंपनी ने यहाँ पर सपोर्ट ले रखा है, तो यहाँ से नीचे तो बिल्कुल नहीं जाएगी। और यहाँ पे देखो ये कंपनी डिविडेंड भी देती है और बोनस भी देती है, और जितना क्रेज होना थी हो गई है। अब इसके टारगेट भी निकल के आए, वो भी देख लेंगे। देखो कंपनी इसी बॉक्स में ये तैर रही है। अब देखो दोस्तों सपोर्ट की बात कर लेते हैं। इसका देखो पहला सपोर्ट है 36 रुपये 43 पैसे का, दूसरा है 35 रुपये 37 पैसे का, तीसरा है 33 रुपये 83 पैसे का। ऊपर के रेस्टेशन है 39 रुपये 3 पैसा, दूसरा है 40 रुपये 57 पैसा, तीसरा है 41 रुपये 63 पैसा। अब देखो इस स्टॉक ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया था पहले, फिर घुमाया, फिर रिटर्न शुरू कर दिया। आज मार्केट में 1 करोड़ शेयर आए थे, कल 3 करोड़ 1 करोड़, यानी 50% माल है, लोग घर पर भी लेके जा रहे हैं। देखो 1% लोग बोल रहे हैं कि सेल कर दो, वरना 99% इंसान ये बोल रहे हैं कि इसको बाय करके अपन को चलना है लॉन्ग टाइम के लिए। सभी ऑपरेटर के पास में दबा के माल है, किसी भी मंगल ग्रह के प्राणी या ऑपरेटर ने माल नहीं बेचा है, उनके पास में पहले से है दबा के माल है। थोड़ी डिटेल और ले लेते हैं, फिर चलते हैं इसके टारगेट पर। देखो कंपनी में वीकनेस 5 है, स्ट्रॉन्ग 9 है, 23 यहाँ पे 0 है, अपॉर्चुनिटी मौका गोल्डन चांस है 2 है। और यहाँ पे देखो पॉजिटिव इंडिकेटर है 14 आ गए हैं, नेगेटिव इंडिकेटर है 9 है, मतलब शेयर पूरा पॉजिटिव चल रहा है। देखो बाइंग सिंगल दे रखा है इस स्टॉक ने। और यहाँ पर कंपनी की थोड़ी डिटेल और लेना, तो बेरिश 9 है, बुलिश 7 है, मतलब धीरे धीरे शेयर है जो बुलिश आ रहा है, बेरिश है, चीज़ें कम हो रही है। और यहाँ पर बात करें तो एफआई वालों ने देखो होल्डिंग बढ़ाई है, और डीए म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग कम की है। एफआई वालों ने बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग कम की है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं उस न्यूज़ पर, लेकिन उससे पहले है यहाँ पर अब ब्राइटकॉम ग्रुप है, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है 36 लाख का, सेलिंग ऑर्डर लगा है 44 लाख का, मतलब लोग दबा के माल खरीद रहे हैं और दबा के बेच रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। अब उस न्यूज़ पर चलते हैं। देखो दोस्तों ये BCG है, इंटरडे का टारगेट इसका आज 42 रुपये था, और 36 रुपये का सपोर्ट लेके चला था, 37 को ब्रेक कर दिया था पहला सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे पहले सपोर्ट पर है, रजिस्ट्रेशन ऊपर का 38 रुपये को टच नहीं कर पाया। वीकली इसका टारगेट था 46 रुपये 97 पैसे का, और यहाँ पर फर्स्ट डाउन टारगेट था 34 रुपये का, उससे ऊपर से रहे तो फर्स्ट टारगेट अपसाइड का आएगा 39 का, ठीक है। और नवंबर का इसका टारगेट था 67, यानी कि 67 रुपये का इसका टारगेट था नवंबर का, और 2022 का टारगेट 396 का था। बट मार्केट की तबाही, पिछले 11 महीने से स्टॉक चल नहीं रहे थे, वरना BCG है तो 300-400 रुपये का शेयर हो जाता इसी 2022 में। तो मार्केट की तबाही की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब देखो दोस्तों आपको क्या करना है, देखो हर गिरावट में आप खरीद सकते हो, थोड़ा टाइटली होल्ड कर लो, लॉन्ग टाइम का नजरिया रखो भाई। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, डिविडेंड देती है, सब कुछ कंपनी का पॉजिटिव चल रहा है। और वैसे बात करें तो देखो अपनी बुक वैल्यू के पास में आपको स्टॉक मिल रहा है, कंपनी पर देखो केस पड़ा है कंपनी में 5776 करोड़ का, डेप्ट 1 रुपये का डेप्ट नहीं है, बस प्लीज है थोड़ा मत, और एसेट पड़ा है 5318 करोड़ का। क्वार्टर सेल्स 13% है, सेल्स ग्रोथ 92% हो गई है, और यहाँ पर लाइब्रेटीज 836 करोड़ की है, क्वार्टर क्वार्टर प्रॉफिट 15 करोड़ का आ गया, टोटल एसेट है 7030 करोड़ का। मतलब कंपनी का फंडामेंटल चेक करें ना तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप टाइटली होल्ड करो। 500 प्लस का स्ट्रॉन्ग है, US में भी लिस्टिंग हो रही है, तो थोड़ा टाइम दो भाई, थोड़ा टाइम दे देते हो तो अच्छा खासा रिटर्न आपको निकाल के दे देगी कंपनी। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों।